आज जो आज क्या रही सर, ललन सिंह जी आज मीटिंग में क्या रहा? आज मीटिंग में विपक्षी एकता के बारे में जो सहमति बनी हुई थी उस सहमति पर विस्तार से चर्चा हुई और विपक्षी एकता के लिए सभी दलों की बैठक जगह और समय और तिथि ये एक से दो दिनों में तय करके आपको बता दिया जाएगा। मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित। वी हैड ए डिटेल डिस्कशन अबाउट द ऑपोजिशन पार्टीज मीटिंग। वी विल डिसाइड द डेट एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग विद इन वन और टू डेज। दिस इज व्हाट वी डिसाइडेड टुडे। ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग विल बी हेल्ड and the date will be decided within one or two days, and date and place will be inform you within one or two days. How many parties will participate, sir? How many parties you are expecting to participate in that meeting? Vast majority of the party will attend. मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके आठवें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के आठवें दिन, आठ दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया आठ दिन के अंदर, ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये उन्होंने वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा, फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है।